सफल व्यापारी कैसे बने, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, बिजनेस में सफलता पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स एंड ट्रिक्स। कोरोना महामारी के कारण महामंदी के बाद सभी प्रकार के बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव आ गया है। 1.5 साल तक लॉकडाउन लगे रहने के कारण आज भी बाजार पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। लॉकडाउन से पहले जिस तरह से ग्राहक बाजार में आता था, अभी उसका लगभग आधा ग्राहक बाजार में आ रहा है। लॉकडाउन के कारण बिजनेस में हुए घाटे से व्यापारी आज भी परेशान है। इसके अलावा बेरोजगारी और कम वेतन वाली जॉब से परेशान या नया व्यापार शुरू करने वालों को अपेक्षा के अनुरूप मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश व्यापारी अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, एक साधारण व्यापार भी कैसे सफल हो सकता है। पूरा वीडियो देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। व्यापारी व्यापार में क्या करें और क्या ना करें। बिजनेस बढ़ाने के लिए कारोबारियों को ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए कि उनका व्यापार तेजी से आगे बढ़ सके। इस बारे में विशेषज्ञों की राय है कि बिजनेस ग्राहक से ही चलता है, इसलिए बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को अपने ग्राहकों पर विशेष फोकस करना चाहिए। बिजनेसमैन को वो सारे काम करने चाहिए जिनसे ग्राहक उनकी शॉप या दुकान पर आए। इसके अलावा ऐसे प्रयास भी करने चाहिए कि एक बार आया ग्राहक शॉप पर बार बार आए, साथ में अपने परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों को भी ग्राहक के रूप में अपनी दुकान पर लाए। इसके लिए बिजनेसमैन को कुछ खास उपाय करने होंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को जो खास खास उपाय करने चाहिए उनमें से कुछ इस प्रकार है। ऑफलाइन बिजनेस के साथ ऑनलाइन बिजनेस, ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें, असली और शुद्ध माल बेचें, माल के रेट में किसी तरह का हेर फेर ना करें, यदि प्रॉफिट में से गुंजाइश हो तो ग्राहक को लाभ जरूर पहुंचाएं, ग्राहकों के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करें, कंपनी की गारंटी वारंटी में ग्राहक का सहयोग करें, पल्ला ना झाड़ें, ग्राहकों को बहुत ही अच्छे से एंटरटेन करें, ग्राहकों का विश्वास जीतें, अपनी बिजनेस पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट बनाएं, ग्राहकों को डीलिंग करने के लिए कुशल सहयोगी को नियुक्त करें, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करें, स्टोर के अन्य खर्चों को कम करके ग्राहकों के लिए ऑफर और आकर्षक स्कीम्स चलाएं, त्योहारों के आने पर ग्राहकों को विशेष छूट और तोहफे भेंट करें। ऑफलाइन बिजनेस के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी करें। यदि आपका ऑफलाइन बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा है तो आपको आजकल के जमाने का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। आपको एक अच्छी वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बनवानी चाहिए। सोशल मीडिया के विभिन्न फ्री प्लेटफॉर्मों पर अपने बिजनेस का जमकर प्रचार करें। ऑफलाइन बिजनेस के लिए लोकल लेवल पर कम खर्चे वाला प्रचार करें। ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। ग्राहक किसी भी बिजनेस की जान होता है, ग्राहक को राजा भी कहा जाता है, इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि यदि उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने ग्राहकों का हर तरह से ख्याल रखें। ग्राहकों को मानसिक शारीरिक रूप से अधिक सुविधाएं देकर अपना बनाया जा सकता है। असली और शुद्ध माल बेचें। आपको अपने स्टोर की साख का सबसे अधिक ध्यान रखना होगा। मार्केट में अधिकांश छोटे दुकानदार अधिक फायदे वाले सामान को रखकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो ग्राहक के हित को नहीं देखते हैं। ऐसे दुकानदार बाजार में आने वाले एजेंटों से अलग अलग लोकल माल खरीदकर अपना फायदा बनाते हैं, लेकिन ग्राहक के साथ चाल खेलते हैं। ये लोकल कंपनियां कभी माल का वजन कम करती हैं, तो कभी जल्दी जल्दी दाम बढ़ाती हैं। इससे ग्राहक चिड़चिड़ा हो जाता है। जरूरत पर एक बार तो आपसे माल खरीद लेता है, लेकिन आपकी इन चालों से सतर्क होकर उसके बाद वो दूसरी दुकान तलाशता है। दूसरी ओर ब्रांडेड और फिक्स रेट वाले स्टोर के ग्राहक नियमित रूप से आते रहते हैं, इसलिए आप अपने स्टोर में अधिक फायदे के लालच में नकली डुप्लीकेट लो क्वालिटी के सामान को ना बेचें। इससे केवल वही ग्राहक आएंगे जो सस्ता माल खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के ग्राहक जल्द ही दूसरी जगह चले जाएंगे। माल के रेट में किसी तरह का हेर फेर ना करें। मार्केट में ब्रांडेड वस्तुओं के रेट में हेर फेर नहीं करना चाहिए और ना ही प्रिंट रेट की जगह कंपनी द्वारा फिक्स किए गए रेट पर ही माल बेचना चाहिए। कंपनी की ओर से रेट में किसी तरह के बदलाव को ग्राहक को पहले ही बता देना चाहिए। इससे ग्राहक के दिमाग में आपकी अच्छी छवि बनती है। यदि प्रॉफिट में से गुंजाइश हो तो ग्राहक को लाभ पहुंचाएं। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो ग्राहक का विशेष ध्यान रखना होता है। आपके अपने हिस्से के प्रॉफिट में थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो उसे ग्राहक को दे देने से ग्राहक आपका अपना हो जाएगा। मामूली से मामूली लाभ से भी ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होता रहेगा। ग्राहकों के साथ डीलिंग बहुत अच्छी तरह से करें।
ग्राहक को राजा और देवता की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ग्राहक ही बिजनेस का एकमात्र स्रोत होता है। इसलिए ग्राहक के साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। यदि ग्राहक एक बार आपसे किसी भी बात को लेकर नाराज हो जाए तो उसे मनाना चाहिए, और ना भी माने तब भी उसे बहस या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कंपनी की गारंटी वारंटी में ग्राहक का सहयोग करें, पल्ला ना झाड़े। देखने में आता है कि कोई गारंटी वारंटी वाली चीज ग्राहक खरीदता है और कंपनी द्वारा दिए गए समय में वो चीज खराब हो जाती है, तो वो बेचारा ग्राहक अपने दुकानदार के पास ही आता है। उस समय दुकानदार का व्यवहार बदला हुआ देखा जाता है और वो अपने ग्राहक के हित को नहीं बल्कि अपने परेशानी को देखते हुए उससे पल्ला झाड़ लेता है। उसे कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर जाने को कहता है। उस समय ग्राहक का दिल टूट जाता है। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने ग्राहक के हितों की चिंता करे, उसे ग्राहक की मदद करनी चाहिए। कंपनी के कस्टमर केयर जाने का रास्ता बताने के बजाय उस कंपनी के एजेंट से मदद कराने का आश्वासन देना चाहिए या कोई दूसरा ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि ग्राहक ये समझ सके कि स्टोर उसकी मदद करने को तैयार है। ग्राहकों को बहुत ही अच्छे से एंटरटेन करें। जब आपके स्टोर में कोई नया या पुराना ग्राहक आए तो उसका जोरदार स्वागत करें। उसकी प्रत्येक बात को गंभीरता से सुनें। यदि ग्राहक की मनपसंद वाला सामान हो तो उसे दिखाएं और दूसरे जरूरत के सामान के बारे में भी पूछें। यदि उसकी मनपसंद का सामान ना हो तो मुस्कुराकर माफी मांगते हुए उससे अगले सामान के बारे में बातचीत करें। इसके अलावा यदि ग्राहक की सूची में से एक आध सामान आपके स्टोर में ना हो तो उसे अपने पड़ोस के स्टोर से मंगाकर उसका सहयोग करें। इससे ग्राहक आपके पास ही आएगा। ग्राहकों का विश्वास जीतें। ग्राहकों का विश्वास जीतना बिजनेस चलाने के लिए सबसे जरूरी काम है। आप बाजार के मुताबिक सामान दें, सामान की क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी ना हो, सामान के रेट में एक बार बाजार के रेट से एकाध रुपए कम हो तो ठीक, वरना बाजार रेट ही रखें। इसके अलावा सामान की एक्सपायरी डेट का पूरा ख्याल रखें। ओरिजिनल सामान ही देने की कोशिश करें, यदि नहीं हो तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट सामान देने की कोशिश ना करें। इससे ग्राहक को आपके प्रति पूरा विश्वास हो जाएगा, ऐसा ग्राहक आपकी ही दुकान से सामान लेगा। अपनी बिजनेस पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट बनाएं। आपका बिजनेस जितना ज्यादा साफ सुथरा होगा ग्राहक आपसे उतना ही अधिक संतुष्ट होगा। आपको चाहिए कि आप अपनी जो भी बिजनेस पॉलिसी बनाएं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, यानी आपके ग्राहक को आपकी बिजनेस पॉलिसी की एक एक चीज पहले से पता होनी चाहिए। इससे आपके प्रति ग्राहक के मन में ये धारणा रहेगी कि आपके स्टोर में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। किसी भी ग्राहक के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं होता है। साथ ही ये विश्वास रहता है कि चाहे बुजुर्ग महिला हो या बच्चा कोई भी आए, सभी के साथ एक समान व्यवहार होगा और एक ही तरह का व्यापार होगा। ग्राहकों से डीलिंग करने के लिए कुशल सहयोगी को नियुक्त करें। ग्राहकों के साथ अच्छी डीलिंग के लिए स्टोर में ऐसे कुशल सहयोगी नियुक्त करने चाहिए जो ग्राहक को हर तरह से संतुष्ट करें और ग्राहकों को स्टोर से जोड़ने का काम करें। कुशल सहयोगी अपनी वाक्पटुता से ग्राहकों से नजदीकियां बढ़ाएं, चाहे पुरानी यादें ताजा करें या ग्राहक की तारीफ करें अथवा ग्राहक की पसंद का विशेष ख्याल रखें। इस तरह ग्राहक को ये महसूस होता है कि स्टोर उसके साथ बहुत नजदीकी का रिश्ता रखता है। इससे वो भी स्टोर से अपना नजदीकी रिश्ता रखता है और स्टोर नहीं छोड़ना चाहता। इसका लाभ स्टोर को मिलता है। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनके क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी करनी चाहिए। यदि आप अपने आवास, स्टोर या फिर अपने क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें तो ध्यान रखें कि अवकाश या त्योहार के आसपास का दिन होना चाहिए। इस कार्यक्रम में अपने सभी प्रमुख ग्राहकों को आमंत्रित करना चाहिए। ये तो बात हुई ऑफलाइन की। इसके अलावा ऑनलाइन विचार गोष्ठी, सेमिनार की तरह के अनेक कार्यक्रम भी समय समय पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर करते रहने चाहिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप अपने ग्राहकों से नजदीकियां बढ़ाएं, साथ ही उनकी पसंद और नापसंद के बारे में भी फीडबैक लें और जब उनसे व्यापार करें तो इस फीडबैक का ध्यान रखेंगे तो ग्राहक आपके प्रयास से बहुत खुश होगा। स्टोर के खर्चों को कम करके ग्राहकों को विशेष ऑफर और स्कीम्स का लाभ दें। आप ग्राहकों को अपने हिस्से के मुनाफे का थोड़ा सा भाग देकर उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। साथ में यदि आप स्टोर के कुछ खर्चों में कटौती करके बचत कर लें और उस बचत से समय समय पर अपने ग्राहकों को मार्केट से हटकर कुछ विशेष ऑफर या स्कीम देंगे तो ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होगा। त्योहारों के आने पर ग्राहकों को विशेष छूट या फिर तोहफे भेंट करें। बिजनेसमैन को त्योहारों के आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। त्योहारों पर ग्राहकों को खुश करने के लिए छोटे मोटे तोहफे या फिर विशेष त्योहारी छूट दें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके रेट बाजार रेट से कतई अलग नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपके ग्राहक यही सोचेंगे कि आपने फायदा उठाने के लिए जो छूट या तोहफा दिया है उसकी कीमत अपने सामान के रेट में शामिल कर ली है। इस तरह से ग्राहक आपके प्रति अविश्वास व्यक्त कर सकता है। इसका स्टोर को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऑनलाइन बिजनेस के खास टिप्स।
यदि बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस को जोड़ते हैं तो आपको अपनी साख और ग्राहक के हित का पूरा ख्याल रखना होगा। जो माल ग्राहक द्वारा ऑर्डर किया गया है वही माल सुरक्षित रूप से ग्राहक के पास आपके द्वारा निर्धारित समय पर पहुंच जाना चाहिए। आपकी पैकिंग आकर्षक होनी चाहिए, डिलीवरी सही समय पर होनी चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके व्यापार को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा सकते हैं और कामयाबी दिला सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।